ले रहा हूँ 130। कैसे आप सभी लोग, मैं बहुत बढ़िया ना हूँ, क्या अभी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय, यू गाइस आर वाचिंग एंड लिफ्ट। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं रोज कंटेंट लेके आ रहा हूँ, रोज नई वीडियो ब्लॉग लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए फिटनेस। तो आप भी रोज आए मेरी वीडियो पे, ढेर सारा प्यार दिखाएं, बस मुझे यही चाहिए आपकी तरफ से। और गाइस, आज की वीडियो में मैं थोड़ा अपना टारगेट चेंज करूंगा। बेसिकली मैं वेटेड स्क्वाट्स पर ज़्यादा वेट नहीं लगाता, बट आज चेंज करूंगा अपना रिकॉर्ड चेंज करूंगा आज ज़्यादा हम फोकस करेंगे वेटेड स्क्वाट्स पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था लेग प्रेस पे फोकस। तो आज करेंगे वेटेड स्क्वाट्स पे, मेन फोकस रहेगा लेग्स की एक्सरसाइज करनी है बेसिकली आज। और एक दो से तीन एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर की, ताकि शोल्डर भी ट्रेन हो हल्के फुल्के आज के दिन। तो गाइस, अभी चलते हैं जिम में, वर्कआउट करते हैं, खतरनाक से वर्कआउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। आप बस अपना एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, कमेंट कर दो, एक कमेंट कर दो, बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को एक कमेंट कर दो, और शेयर करके सपोर्ट करो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आप नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। तो गाइस चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइजेस, और आज मैं कैसे अपना टारगेट चेंज करूँगा वो भी दिखाता हूँ वेटेड स्क्वाट्स का। सो गाइस, लेट्स बिगिन, लेट्स गो। अभी जिम में आ चुका हूँ, अभी वार्म अप किया है, अभी स्टार्ट करता हूँ लेग्स का वर्कआउट। पहले कोई सिंपल एक्सरसाइज करूंगा, सिंपल तो कोई सी भी नहीं होती लेग्स में बेसिकली, बट एक्सरसाइज करूंगा लेग्स की कोई सी, देन उसके बाद स्क्वाट चालू करूंगा ताकि लेग्स एक्टिव हो जाए थोड़े, तभी मजा आएगा करने में। तो चलते हैं, तुम बने रहो वीडियो में, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बस यही चाहिए मुझे, और सपोर्ट करो। लेग एक्सटेंशन है ताकि वार्म अप हो जाए थोड़े लेग्स भी, और थोड़ी एक्टिव हो जाए लेग्स, इसलिए ताकि उस पर हैवी मारना है, इसलिए मैंने पहले सोचा कि पहले एक्सटेंशन कर लूं फिर करूंगा वो। नेक्स्ट टारगेट है 100 केजी शॉर्ट सेट है, अब इसके लगाऊंगा मैं 8 लैक्स का टारगेट है, अभी देखते हैं कितने आते हैं। With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you knew that we had something special till you end up all this way. अभी देखते हैं, इसे 6 रेप्स पे टारगेट है, आते कितने हैं वो तो अभी पता लग ही जाएगा आपको।
गया, 6 रेप्स निकल गए, बड़ा मजा आया। नेक्स्ट टाइम और बढ़ाएंगे, रेपिटेशन बढ़ाएंगे अगली बार, वेट तो ये रहेगा। फिर अगली बार से अगली बार जो होगा उसमें फिर से PR सेट करेंगे। सो गाइज, अभी लेग्स का तो वर्कआउट हो गया है, अभी करते हैं शोल्डर की 1-2-3 एक्सरसाइजेस, तीनों साइड इसके कवर करते हैं एक्सरसाइज में, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं वीडियो। एंड आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा अभी तक, और मेरा यही एम है कि आपको अच्छे से समझ आए, और मेरा यही काम है कि तुम्हें समझाऊँ मैं अच्छे से, और तुम्हें क्लियर हो सारी चीज़ें, और तुम भी इन एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में डालो ताकि तुम्हारे अंदर भी ग्रोथ आ सके। तो इस बात पर भी ध्यान रखो। अभी करते हैं शोल्डर की एक्सरसाइज चालू, अब शोल्डर की एक्सरसाइज। Change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? Or what you say is I don't know. Feelings change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? भाई ये जो एक्सरसाइज है बहुत बंदे मिस आउट करते हैं, हमारे जो ट्रैप्स होते हैं इनको भी ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है शोल्डर्स के साथ साथ। तो मीडियल और ये ट्रैप्स दोनों इस एक्सरसाइज में आपके हिट हो जाते हैं। अभी देख लो ऐसे करते हैं, ये थी ओवरऑल हमारी लेग्स की और शोल्डर्स का वर्कआउट आज का। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ओवरऑल वर्कआउट, ये आप अपने शेड्यूल में भी ला सकते हो। मैंने बेसिकली आज अपना PR सेट किया 130 के जिसका लेग प्रेस पे, जो कि लेग प्रेस कहना है, सॉरी वेटेड स्क्वाट पे, जो कि मैंने सेट करना था, आज सेट हो गया। नेक्स्ट टाइम तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि इसी पे ज़्यादा रेपिटेशंस आए, देन उसका जो नेक्स्ट वीक होगा उस बार हम फिर से अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए फिर से वेट इंक्रीज करेंगे और फिर से अपना PR सेट करेंगे। तो ऐसे कुछ चलता है काम, ये नहीं होता कि हमने आज बढ़ाया फिर नेक्स्ट वीक फिर से डबल बढ़ा दें, उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी जो इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होता है, वो भी इंक्रीज नहीं होता। तो एक वीक हमें उसी वेट पे ज़्यादा रेपिटेशंस लेने की कोशिश करनी होती है। तो ऐसे होगा नेक्स्ट वीक का PR सेट, नेक्स्ट वीक में PR सेट करेंगे फिर से। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करके सपोर्ट करो, और एक कमेंट जरूर करो एज एन एप्रिसिएशन। और अगर इंस्टा पे चेक नहीं किया तो मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, कीप वर्कआउट एंड स्टे हेल्दी।